फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला की साइबर थाने की टीम ने लखनऊ से एक साइबर जालसाज को गिरफ्तार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी डॉक्टर जोय एन टिर्की ने मीडिया को बताया कि साइबर जालसाज मोहम्मद इरफान पुत्र मोहम्मद अबू सालिह निवासी लखनऊ उत्तर प्रदेश का, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना साइबर ने 2.83 लाख रुपए की ठगी का मामला सुलझाया है। FIR संख्या नंबर 53/24 धारा 420, 468, 471 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और विभिन्न बैंकों के 9 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में BTech स्नातक है और वह हवाई जहाज के टिकट सऊदी अरब में होटलों में ठहरने और हज उमरा के लिए काम किराए पर वीजा दिलाने के नाम पर भोले वाले लोगों को ठगता था। DCP ने बताया कि थाना साइबर में प्राप्त शिकायत में शिकायतकर्ता सादिक उम्र, जिसकी 23 वर्ष है, उन्होंने आरोप लगाया था कि 6/4/2024 को उसने दानिश ट्रेवल के नाम से एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिली, जो हज उमरा के लिए सस्ते दर पर सऊदी अरब की यात्रा के लिए सहायता प्रदान कर रही थी। लिंक पर क्लिक करने पर वह एक अन्य प्रोफाइल पर चला गया, जहां से उसे एक मोबाइल नंबर मिला। दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर दूसरी तरफ व्यक्ति ने अपना नाम दानिश बताया और उसे जाल में फंसाया। उसने फ्लाइट टिकट सऊदी अरब में होटलों में 15 दिन ठहराने और वीजा शुल्क सहित प्रति व्यक्ति 80,000 रुपये के बदले उमरा के लिए यात्रा सहायता की पेशकश की गई। शिकायतकर्ता उसके जाल में फंस गया और 48,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। उसने अपना वीजा और कतर के लिए 20/4/2024 को निर्धारित 3 उड़ान टिकट प्राप्त किए। दस्तावेज प्राप्त करने पर शिकायतकर्ता ने उसे शेष राशि 1,92,000 भुगतान किया, लेकिन एयरलाइन से सत्यापन करने पर उड़ान टिकट नकली पाए गए। संपर्क करने पर कथित दानिश ने बताया कि उनके टिकट एयरलाइन द्वारा रद्द किए गए थे। उन्होंने 24/4/2024 को टिकट बुक किए, जिसके लिए उन्होंने शिकायतकर्ता से 43,000 रुपये शुल्क लिया। ये दावा करते हुए कि टिकट का किराया एयरलाइंस द्वारा बढ़ा दिया गया था। आगे की जांच करने पर कथित दानिश द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेज नकली पाए गए। इस पर मामला दर्ज किया था और मामले को सुलझाने के लिए साइबर थाने के इंस्पेक्टर SHO विजय कुमार के नेतृत्व में टीम बनी थी। इस टीम में SI नंदन सिंह, हेड कांस्टेबल अमित चौधरी, हेड कांस्टेबल अमित घेलावत, हेड कांस्टेबल सुनीत, महिला हेड कांस्टेबल अरुणा और कांस्टेबल दीपक इस टीम में शामिल थे, जो कि ऑपरेशन सेल के ACP की देखरेख में ये टीम बनी थी। पुलिस टीम ने तकनीकी निगरानी शुरू की गई और तकनीकी और मैनुअल स्रोतों के इनपुट करने पर जानकारी के बाद आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया, जहां आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है।